दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल क्लब सैंडविच विद एग, और हम इसको सर्व करेंगे फ्रेंच फ्राइज के साथ। ये जो मील है ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है। इसको आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं और डिनर में भी ले सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वेजिटेबल क्लब सैंडविच विद एग। सबसे पहले हम कैबेज लेंगे, इसको हल्का सा बीट करके फाइन जूलियन करेंगे। इसका हम कोल्सलो बनाएंगे दोस्तों, फाइन जूलियन कैबेज और फाइन जूलियन कैरेट पतले पतले स्लाइस कर लेंगे, ऐसे जूलियन कर लेंगे इसको। इसके बाद हम थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको कुछ देर के लिए हम अलग रख देंगे। और ये देखिए, ये थोड़ा सा आलू लिया है हमने, इसको हम ग्रेट कर रहे हैं, फाइन ग्रीन चिली चॉप कर ली और थोड़ा सा धनिया चॉप कर लिया हमने। हरा धनिया चॉप करने के बाद थोड़ा सा प्याज लिया, इसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया इस तरह से। एक टमाटर लेते हैं हम, इसको हम डीशीट करेंगे, शीट्स अलग निकाल देंगे। इसकी जो बाहर की स्किन है उसको हम फाइन चॉप करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। ये आलू जो हमने ग्रेट किया था, इसमें थोड़ा सा हम ग्रीन चिली जो चॉप की थी अभी थोड़ी देर पहले इसमें डाल देंगे, और ये हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे इसको इसके ऊपर, और ये चॉप टमाटो, चॉप अनियन, थोड़ा सा नमक, और ये थोड़ा सा इसमें इंडियन स्पाइस डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसके बाद ये जो कैबेज और कैरेट हमने जूलियन करके रखा था, इसको निचोड़ के इसको अलग प्लेट में निकाल के इसमें थोड़ा मेयोनेज़ मिलाएंगे, थोड़ा सॉल्ट पेपर डालेंगे, फिर इसको भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हमने दो तीन अंडे लिए, इसको अच्छी तरह से फेंटा, इसमें नमक डाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया। थोड़ा सा टमाटर, बेसिकली ये मसाला ऑमलेट का सारा मिज़ा किया हुआ है हमने। इसको हम सैंडविच के अंदर लगाएंगे, इसकी स्टफिंग के अंदर। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है, और उसके बाद एक पैन में तेल गरम करेंगे दोस्तों। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा अंडा डालेंगे। अगर आप एक क्लब सैंडविच बना रहे हैं तो कम से कम दो अंडे या दो ऑमलेट आपको बनाने होंगे। ये देखिए, उसके बाद इसको दोस्तों हम पलट लेंगे, दोनों तरफ से इसको हम कुक करेंगे प्रॉपर तरीके से। एक टमाटर ले लीजिए, इसके पतले पतले स्लाइस क्लब सैंडविच के लिए कर
करेंगे हम। इसके बाद एक कुकुम्बर भी ले लीजिए, उसके भी पतले पतले स्लाइस कर लीजिए। और ये हमारे स्लाइस तैयार। और इसके बाद प्याज का भी पतला पतला स्लाइस कर लीजिए। दोस्तों, हम क्लब सैंडविच के साथ फ्रेंच फ्राइज सर्व करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये आलू को पहले पील करके फिर उसको स्क्वायर करके उसमें लंबे लंबे फ्रेंच फ्राइज निकाल लिए हैं। ये देखिए, इसको पानी में डिप कर दिया और उसके बाद हमारा ये मीज़ा तैयार हो चुका है लगभग। ये हमने जो आलू का मिक्सचर बनाया था और ये कैबेज और ये सलाद पत्ता और ये ऑमलेट हमने बना के रखा है पहले से ही, कुकुम्बर स्लाइस, चीज़ स्लाइस, अनियन स्लाइस और ये मेयोनेस, टोमेटो केचप और ये टोमेटो स्लाइस। और दोस्तों, एक क्लब सैंडविच के लिए हम कम से कम 6 पीस टोस्ट करेंगे। ये आपके टोस्ट तैयार। सबसे पहले हम इसके ऊपर मेयोनेस सॉस लगाएंगे। ये 4 टोस्ट हम पहले स्लाइस लगाएंगे, बाकी हमारे बचे हुए 2 स्लाइस बाद में कवर करने के काम आएंगे, तो उसको हम साइड में रखेंगे। ये देखिए, 4 स्लाइस हमारे तैयार। इन पे हमने केचप लगा दिया, मेयोनेस लगा दिया है। उसके बाद सबसे पहले सलाद पत्ता हम टोस्ट के ऊपर रखेंगे। ये देखिए, आपके सलाद पत्ता लग चुका है। और अब इसके बाद टमाटो स्लाइस एक एक करके ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। ब्रेड पूरा कवर होना चाहिए आपका। और ये कुकुम्बर स्लाइस टमाटर के ऊपर रख लीजिए। इसके बाद जो हमने कैबेज और कैरेट का कोल्सलो बनाया है दोस्तों, उसको एक ब्रेड पे लगा लेंगे। और इसको अच्छी तरह से इसमें फिलिंग जितनी अधिक से अधिक हो सके उतना ही आपका सैंडविच अच्छा बनेगा। और ये देखिए, आलू का जो मिक्सचर हमने बनाया था, ग्रीन चिली, टोमेटो, कोरिंडर डाल के जो हमने मिक्सचर बनाया था, वो दूसरी ब्रेड पे लगा देंगे। मिक्सचर पूरी ब्रेड में फैलना चाहिए। और ये जो मसाला ऑमलेट हमने बनाया था, ये ब्रेड के ऊपर लगा दिया है, ये दूसरी ब्रेड पे लगा दिया है। ये स्लाइस अनियन जो रह गया था लगाना, ये हम दूसरी ब्रेड में लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, चीज़ स्लाइस लगाएंगे दोनों स्लाइस बचे हुए स्लाइस में, और ये ऊपर से इनको कवर कर देंगे। और पूरी ब्रेड उठा के दूसरी ब्रेड पर रख देनी है। ये देखिए किस तरह से रख रहे हैं हम। इस पर टूथपिक लगा लें ताकि काटते समय आपकी ब्रेड खिसके ना। ये देखिए, इसकी साइडें काट लीजिए आप सबसे पहले, क्योंकि ये ब्रेड का बहुत हार्ड पार्ट होता है, मुंह पे लगता है, तो इसको हम पहले काट लेंगे, फिर उसमें से ब्रेड को बीच में से काट लीजिए। और ये आपका सैंडविच इस तरह से रेडी होने लग गया है। ये देखिए, ये 4 पीस इसमें। अब देखिए, इसके साथ हमने जो फ्रेंच फ्राइज सर्व करनी है उसको हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में लपेट लेंगे। इससे ये होगा कि आपकी जो फ्रेंच फ्राइज है वो क्रिस्प होके निकलेंगी तेल से। क्रिस्प और क्रंची फ्रेंच फ्राइज अगर आपको बनानी है तो थोड़ा
कॉर्नफ्लोर ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये देखिए आपकी फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं, बिल्कुल क्रिस्प। और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे स्वाद के लिए। और एक बॉल में इनको अरेंज करके रखिए। ये देखिए आपकी फ्रेंच फ्राइज भी रेडी हो चुकी हैं। सैंडविच हमने पहले रेडी कर लिया है। और ये एक लंबे से प्लेटर में, बड़े से प्लेटर में इसको अरेंज करके रखिए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।